Assalamualaikum, welcome back to my channel. Friends, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी बेटनोवेट एम क्रीम की। तो फ्रेंड्स, जो कि हर किसी को पता है इस क्रीम के बारे में, ये क्रीम ना कि सिर्फ पाकिस्तान में यूज की जाती है, इंडिया में यूज की जा रही है। ये एक GSK कंपनी है जो ये क्रीम बनाते हैं, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, तो इसलिए ये पूरी दुनिया में यूज की जाती है। और इसको यूज कैसे करना है, कहाँ पे यूज करना है, किस प्राइस में हमें ये अवेलेबल है, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल आइकन बनी है उस पर भी हिट कर दें। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं बेटनोवेट एम क्रीम की। ये 20 ग्राम में अवेलेबल है, पहले ये 50 ग्राम में होती थी और उसके अलावा एक छोटी पैकेजिंग में भी अवेलेबल होती थी, लेकिन अब ये सिर्फ मार्केट में हमें 20 ग्राम में ही अवेलेबल है। प्राइस की बात कर ली जाए तो इसकी प्राइस भी इधर मेंशन है, ये 68 रुपीज में हमें मिल जाएगी, 68 रुपीज में मिल जाएगी। और इसकी एक्सपायरी डेट भी मेंशन है, जो कि बहुत ही बेस्ट है। आप कोई भी चीज ले रहे हैं, फेस पे अप्लाई करने हैं, कुछ खाने पीने की चीज ले रहे हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, वो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लीजिए, करके उसको चेक करके फिर लिया करें आप। तो फ्रेंड्स, इसे हम फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे जहां पे हमारी जो फ्रैकल्स हो गए हो, एलर्जी हो गई हो, रैशेज हो गए हो, वहां के लिए ये यूज के लिए बहुत ही बेस्ट है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताती जाऊं कि आप इसको कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करें, आप इसको फॉर्मूला क्रीम में मिक्स करके अप्लाई करें। अगर आपके फेस पे रैशेज हो गए हैं, रेडनेस आ गई हो, अगर आप कोई भी पॉलर से क्रीम आपको बना के देंगे व्हाइटनिंग के लिए, तो उसमें ये बेटनोवेट क्रीम जरूर ऐड करेंगे। ऐसे लोग कहते हैं कि ये नहीं लगानी चाहिए, इससे होते हैं साइड इफेक्ट्स भी है इसके, जो कि मैं वीडियो में आपको बताऊंगी आगे जाके कि इससे आपकी स्किन के साथ कौन सा मसला हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी फॉर्मूला क्रीम लेंगे उसमें ऐड होगी हाइड्रोक्यून प्लस, ये व्हाइटनिंग के लिए है। लेकिन इसका एक मसला ये है कि हमारे फेस पे इससे बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाती है, तो उस रेडनेस को खत्म करने के लिए हम फॉर्मूला क्रीम में ये बेटनोवेट एम क्रीम ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक क्रीम बनाऊंगी व्हाइटनिंग के लिए, जो कि बहुत ही बेस्ट है, जिसके फेस पे जो है एक्ने स्कार्स हो गए हैं, फ्रैकल्स वगैरह हैं, रेडनेस है, रैशेज हैं, उन सबके लिए, उससे हमारा वो कलर भी फेयर होगा। बहुत जल्दी मैं आपको अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करूंगी, उसका भी जो है वो भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने इसको फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करें। अगर आप करना चाह रहे हैं तो एक वीक से ज्यादा अप्लाई नहीं करिएगा। आप इसको किसी क्रीम में ऐड करके लगा सकते हैं, फॉर्मूला क्रीम में अगर कोई क्रीम बनाई है आप उसमें ऐड कर सकते हैं, इसको कोई साइड इफेक्ट इतना नहीं होगा जितना आप इसे डायरेक्ट अप्लाई करने में होगा। अगर आपके फेस पे रैशेज हो गए हैं, रेडनेस है ज्यादा, एक्ने स्कार्स हैं, तो आप इफेक्टेड एरिया पे आप इसको अप्लाई कर लें, और आप इसको फिर एक हफ्ते से ज्यादा अप्लाई करेंगे तो बात कर लीजिए इसकी साइड इफेक्ट्स की। तो अगर एक हफ्ते से ज्यादा अप्लाई करेंगे तो हमारे फेस पे बाल आना शुरू हो जाएंगे, ये बिल्कुल व्हाइट कलर के है जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है। तो आप इसको अगर आपके हैंड्स पे एलर्जी हो गई है, आपके फुट पे एलर्जी हो गई है, लेग्स पे एलर्जी हो गई है, वहां पे आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फेस पे इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे एक वीक से ज्यादा, तो आपकी जो फेस पे हेयर ग्रोथ है उसकी वो ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हमारा फेस बहुत ही गंदा लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको बेटनोवेट एम के बारे में बताया है, इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं और इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। रेडनेस के लिए यूज हो रहा है, लेकिन आप इसको एक हफ्ते से ज्यादा बिल्कुल भी अपने फेस पे अप्लाई नहीं करिएगा, बिल्कुल इसको डायरेक्ट। अगर आप करना चाह रहे हैं किसी क्रीम में मिक्स करके, आप इसको ऐड लगा सकते हैं। और वैसे आप अपने हाथों पे एलर्जी हो गई है, रैशेज हो गए हैं, वहां लगा सकते हैं, रेडनेस है। तो फ्रेंड्स, ये बेटनोवेट क्रीम हमारे व्हाइटनिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा है, और हमारे रैशेज भी खत्म होते हैं, स्किन एलर्जी हो गई है वो भी बहुत है, अगर हमारे जो फेस पे एलर्जी हो गई है वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ में जो घंटी का निशान बना है उस पर भी हिट कर दें। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।